गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल इलाके में हैं। उन्होंने पूर्णिया में जनसभा रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने सभा में कहा कि उनके आने से लालू नीतीश की जोड़ी के पेट में दर्द हो रहा है। ये भी कहा कि कुटिल राजनीति कर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। रैली के बाद अमित शाह किशनगंज के लिए रवाना हो गए। पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो हवाई मार्ग से किशनगंज के लिए रवाना हो गए। किशनगंज में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो हवाई अड्डे से माता गुजरी यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां वो बिहार भाजपा के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद माता गुजरी यूनिवर्सिटी में ही भाजपा प्रदेश कोर समिति के साथ बैठक भी करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। यानी कि अब किशनगंज में भी नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। सर, रैली से कई संदेश दिया गया है? सर, रैली से संदेश मिला है सीमांचल के राजनीति में? निश्चित तौर पर भयमुक्त भारत बनेगा और राष्ट्रवाद प्रबल होगा, पूरा देश में सबका साथ सबका विकास होगा। सर, सीमांचल से आगाज हुआ है लड़ाई का? क्षेत्र में गृह मंत्री जी ने बेहतरीन सभा की है, सीमावर्ती क्षेत्र इससे मजबूत होगा और यहाँ विकास की धारा बहेगी। गृह मंत्री का आना किशनगंज में एक बहुत बड़ा संदेश। यानी कि गुरु अमित शाह के आने से बीजेपी के नेताओं में जहाँ एक तरफ खूब जोश है, वहीं दूसरी तरफ सियासत में भी खूब उबाल है। अब देखना ये होगा कि अमित शाह का ये दौरा बिहार में क्या रंग लाता है। किशनगंज से गौरव कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।